हे गाइस नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली और आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, बहुत सारे सवाल आते हैं आप लोगों के और अक्सर ये हमसे पूछा जाता है कि जिस चीज की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि आपको बताना जरूरी भी है कि जैसे कि आप यूजीसी नेट की तैयारी इस समय कर रहे हो, मेरे आपके सामने यूजीसी की मैंने वेबसाइट भी खोल रखी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट लिख रखी है। अगर आप एनटीए की वेबसाइट अगर मैं खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों के मन में एक विचार हमेशा से आता रहता है कि सर जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, यानी आप लोग जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो कि आखिर उसमें वेतन कितना मिलता है, सैलरी क्या है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर को क्या सैलरी मिलती है और प्रोफेसर को क्या सैलरी मिलती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में, इस क्लास में बात करने वाले हैं। कोई सुझाव हो तो कमेंट्स करना मत भूलना, कोई सलाह देनी हो तो उसके लिए भी कमेंट आप जरूर से करना। आप मुझे डॉक्टर लोकेश बाली के नाम से कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर सर्च कर सकते हो, मैं आपको मिल जाऊंगा। ओके, अनअकैडमी पर जाके मुझे केवल डॉक्टर लोकेश लिखकर सर्च कर सकते हो, मेरी आईडी वहां पर आपको मिल जाएगी। और कैसे मुझे फॉलो करना है इस वीडियो के लास्ट में लगा भी दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हमारे पास आ गई है वेबसाइट यूजीसी की, एनटीए की। तो मैंने एक यूआरएल सेव करके रखा है, तो मैं इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, ये यूजीसी की वेबसाइट आप देख सकते हो, यहाँ पे UGC.AC.IN PDF News/ ये सब लिख रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर ये ऑफिशियली डेटा है, जो 7th पे कमीशन लगा था वो इंक्रीज होकर जो लगा था उसके बारे में ये ऑफिशियली डेटा यहाँ पर है। तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये पीडीएफ हमारे सामने खुलकर आ गया है एक, और उसको हम जैसे देखते हैं, नीचे नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखें कुछ मिलता है क्या हमें। ये ऑफिशियली डेटा है और ये यूजीसी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। आप केवल इतना लिख लीजिए कि यूजीसी की वेबसाइट पर कि 7th पे कमीशन, तो डायरेक्ट हमारे जो जितने भी यूजीसी के जो एम्प्लॉय होते हैं, चाहे प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, या फिर और जितने भी एम्प्लॉय होते हैं ये यूजीसी के अंतर्गत आते हैं, उन सभी की सैलरी की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं आ गया हूँ इस पीडीएफ पर, यहाँ पर आप देख सकते हो रिवाइज्ड पे फॉर टीचर्स इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, यानी जो पहले जो था ये कमीशन आयोग में ये थी सैलरी, और अभी जो सैलरी हो गई है वो ये है दोस्तों। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, अब पहले क्या थी उसको तो भूल ही जाते हैं, उससे मतलब नहीं है हमारा, जो अब क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतनी जगह आपको असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा। अब आप भी ऐसा सोच रहे होंगे इतनी जगह असिस्टेंट प्रोफेसर लिख रखा है, ये सैलरी सब जगह अलग अलग क्यों लिख रखी है। पहले मैं आपको सिखा देता हूँ कि अकेडमिक लेवल किसे कहते हैं। अच्छा, अकेडमिक लेवल किसे कहते हैं, उसके लिए कुछ बेसिक चीजें आप लोग जान लो, समझ लो। पहला क्या है कि मान लो कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो गए, आप जैसे कि आपको मान लो यूजीसी नेट आपने पास कर ली, एमए आपका है, यूजीसी नेट का जो जो मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया होता है उसको आपने कवर कर लिया। तो उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही आपने ज्वाइन किया तो उसमें आपका एकेडमिक लेवल ज्यादा नहीं होता है, केवल न्यूनतम होता है। तो जिसका भी एकेडमिक लेवल न्यूनतम होता है उसको लेवल 10 के अंतर्गत रखा जाता है। क्या रखा जाता है दोस्तों, लेवल 10 के अंतर्गत उसको रखा जाता है। उसके बाद में क्या है कि उसकी जो सैलरी है वो 57,700 होती है। अब रुक जाइए, अभी सैलरी बढ़ने वाली है, रुक जाइए अभी। अच्छा, 57,700 प्लस एचआरए वगैरह मिलता है तो काफी अच्छी सैलरी हो जाती है। चलिए, ये तो बहुत बेसिक चीज है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते हो, जैसे आपको मतलब पीएचडी हो जाता है या पीएचडी नहीं भी होता है तो कुछ रिसर्च पेपर पब्लिक हो जाते हैं, कुछ किताबें पब्लिक हो जाती हैं, मतलब कुछ मतलब आपका एकेडमिक लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे आपका एकेडमिक लेवल बढ़ेगा, ये आपका क्या है एकेडमिक लेवल 10 से 11 हो जाएगा, 11 से 12 हो जाएगा, और उसी के अनुसार आपका वेतन बढ़ता चले जाएगा। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो भी वेतन लिख रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें एचआरए प्लस करना पड़ेगा। अब ये कहोगे एचआरए क्या होता है, जो हाउस रेंट वगैरह जो होता है हमारे देश में, पहले 10, 12 और 30 का जो रेशो था उसको चेंज कर दिया है और अब आई थिंक 24 लगता है दिल्ली वगैरह में। तो ये जो रेशो रहेगा, अगर मान लो कोई दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर है डीयू वगैरह में, तो ये सैलरी रहेगी प्लस उसको 24% एक्स्ट्रा सैलरी का, बेस सैलरी का एक्स्ट्रा उसको मिलता है और कई भी अन्य सुविधाएं उसको मिलती हैं। तो इस ऐसा मिलाकर उनकी जो सैलरी होती है तकरीबन 90,000 से भी ऊपर चले जाते हैं, 1,00,000 क्रॉस कर जाती है। अच्छा, ये तो बात कर ली हमने असिस्टेंट प्रोफेसर की, अब इसके बाद में एसोसिएट प्रोफेसर आते हैं। देखो, प्रोफेसरों के 3 चरण होते हैं, असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर।
तो उसके बाद हम जाते हैं असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के ऊपर। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं, इसको पीडीएफ को आगे बढ़ा लेते हैं। आप यहां देख सकते हो कि एसोसिएट प्रोफेसर के बारे में क्या है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें क्या है कि जो लेवल है वो 30A लग जाता है। 12 तक तो यहां पर हो गया, लेकिन ये लेवल 30A लग जाता है। अब यहां पर जो बेसिक सैलरी हमारी कितनी हो जाती है, वह 131,000। क्या हो जाती गाइज? 131,000। ये सेवन पे के आधार पर बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, इसमें प्लस में आपको एचआरए भी इंक्लूड करते रहना है, इतना मान लो, ठीक है। तो इससे सैलरी आपकी 1.5 लाख से भी ज्यादा हो गई है, 1.5 लाख से ज्यादा सैलरी हो गई है, ठीक है। अब यहां पर क्या आ गया, जैसे एसोसिएट के बाद में आप प्रोफेसर बन जाओगे, अब आपने पीएचडी भी कर ली होगी या डीलिट भी कर ली होगा, दुनिया भर की किताबें पब्लिश हो गई होंगी, दुनिया भर के आर्टिकल जर्नल्स में, अच्छे अच्छे इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके होंगे, आपके पास अकादमिक अनुभव बहुत ज्यादा हो गया होगा एक तरीके से। तो आप जैसे प्रमोट होते हो प्रोफेसर में, तो आपके पास क्या लगता है, 12 लग जाता है, यानी 14 लग जाता है एक तरीके से, ये एकेडमिक लेवल 14 लग जाता है, उसमें आपकी सैलरी 1.5 लाख हो जाती है, 1,44,000 प्लस एचआरए और भी अन्य प्रकार की सर्विसेज आपको मिलना शुरू हो जाती हैं, तो 2 लाख के लगभग लगभग आपकी सैलरी एचआरए वगैरह के मिलाकर हो जाती है। अच्छा, इसके बाद में आप सीनियर प्रोफेसर हो जाते हैं, जिसमें आपको एचओडी बना दिया जाता है, डिपार्टमेंट हेड, और या फिर और आपको अच्छे पद पर रख दिया जाता है। अब जैसे बढ़ते हो तो आपकी जो लेवल होता है वो हो जाती है क्या, 15। क्या होता है एकेडमी लेवल? 15 हो जाता है। और फिर आपकी सैलरी कितनी हो जाती है, 1,82,200 प्लस एचआरए। कितना देखो, डिपेंड करता है एचआरए, आप कहां रहते हो, मतलब आप हमारे देश के किसी छोटे शहर में रहते हो, किसी भी छोटे शहर में, जैसे कि कोई भी छोटा शहर देश की राजधानी के अलावा, मतलब जैसे कि एक तो जयपुर है उदाहरण के रूप में समझ लो, मान लो जयपुर है, तो जयपुर में जो एचआरए लगेगा, और एक शहर है उसका अलवर, राजस्थान का एक शहर अलवर है और एक शहर जयपुर है, जो अलवर में जो एचआरए मिलेगा वहां के प्रोफेसर को सबसे न्यूनतम वाला मिलेगा, यानी कि अभी 7.8% आई थिंक, नॉट श्योर, बट आई 8% पहले 10 मिला करता था, 8% है, तो 8% मिलेगा। और जो जयपुर में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, उसको उससे अगला वाला मिलेगा। और इसी तरह अगर कोई दिल्ली में है या सेंटर में कोई है, तो जैसे बॉम्बे हो गया, हमारे जो मेन सिटी है, जैसे बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, ये ऐसे जो शहर हैं, चेन्नई हो गया, वहाँ पर जो आपका एचआरए मिलेगा वो 24 के आसपास जो भी एचआरए इस समय रखा है वो मिलेगा। ऐसे मिलाकर जो आपका जो एचआरए है और सैलरी है वो तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा आपकी सैलरी इस समय हो जाती है। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जो चीज़ आपका टारगेट में है, उसका पता तो लगे कि उसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी का ये रेशियो मैंने एकदम ऑफिशियल रूप से बताया है, आप जान सकते, देख सकते हो, URL यहाँ पर लिखा हुआ है, और आप इसको स्क्रॉल करोगे तो इसमें बहुत सी चीज़ें और भी जानकारी मिलेगी। आपको केवल गूगल पर लिख देना है UGC PDF न्यूज सेवन पे कमीशन लिख देना, आपके साथ ये PDF आ जाएगा जिसमें ऑफिशियली डेटा मिल जाएगा। चलो मैं एक बात बताऊँ कि मुझे आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए, डॉक्टर लोकेश के नाम से एक वीडियो दे रहा हूँ मैं आपको, उस वीडियो को जरूर देख लेना, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलो हाँ, इसके बारे में कुछ आप इस वीडियो के बारे में कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट जरूर करना। क्या आप मादा रखते हो प्रोफेसर बनने का, आपके अंदर वो जुनून है प्रोफेसर बनने वाला, आप चाहते हो कि आपको 2-2.5 लाख सैलरी मिले, तो आप इस वीडियो के नीचे एक बार अपना जुनून बताइए लिखकर कि हाँ यस मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। चलिए बाय। तो अनअकैडमी पर मेरी फ्री में क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, तो बड़े आसान है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा, हमने प्ले स्टोर को ओपन कर लिया, यहाँ पर हम लिखेंगे अनअकैडमी। जैसे मन अनअकैडमी लिखेंगे, आपको यहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप, देखो अनअकैडमी लर्निंग ऐप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं हम एक बार। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है हम इसे ओपन कर लेंगे, और ये ओपन हो रहा है इस समय, बड़ा ही आसान है इसे यूज करना। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। जैसे आप मोबाइल नंबर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, जैसे कि मेरे मोबाइल पर यहाँ पर आने वाला है। बहुत सिंपल स्टेप है, कुछ नहीं करना आपको, इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करना है। अब मेरे यहाँ पर OTP आ गया है, मैं इसमें OTP डाल देता हूँ और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने सबमिट पर क्लिक किया हम तो पहुँच गए हमारे एप्लीकेशन पर।
हो गया इसमें। अब यहां पर आपको क्या करना है, इधर देखो बड़े ध्यान की बात है कि आपको लिख रहा होगा, यहां पर आपको गोल सेट करना है, यूपी ऐसी लिख रहा है लेकिन हमें यहां पर यूजीसी नेट गोल सेट करना है। तो यहां पर आपको मैनेज गोल पर क्लिक करना है, और जैसे ही मैनेज गोल पर क्लिक करोगे आप यूजीसी नेट पर यहां पर क्लिक कर दोगे और आपका यहां पर यूजीसी नेट का गोल आ जाएगा। चलिए तो यहां पर आपको समझे यूजीसी नेट का हमने गोल सेट कर लिया है। जैसे हम यूजीसी नेट का गोल सेट करेंगे उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको इस पर आ जाएंगे, आपको यहां पर दिख रहा होगा सर्च बार, सर्च बार में आपको क्या करना है, DR लिखना है, स्पेस देना है LOKESS। देखो आपको केवल डॉक्टर लोकेश लिखना है और आगे कुछ पीछे आगे पीछे कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ डॉक्टर लोकेश लिख के उसको सर्च कर देना है। जैसे ही आप डॉक्टर लोकेश लिखोगे आपको यहाँ पर डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से मेरी आईडी ओपन हो जाएगी, और आपको पता है मैं टॉप 10 टीचरों में यहाँ पर शामिल हो चुका हूँ बहुत ही जल्दी। आपको यहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना है, यहाँ पर फॉलो का बटन आ रहा होगा क्योंकि यहाँ से पहले ही ऑलरेडी मैंने फॉलो कर रखा है इसलिए फॉलो नहीं आ रहा, आपको यहाँ से मुझे फॉलो कर लेना है और सभी आप मेरी क्लासेज को यहाँ से मेरी सभी क्लासेस का लुफ्त उठा सकते हो इस तरीके से। तो फॉलो कर लीजिए और इस तरीके से आ जाइएगा, ठीक है। बड़ा ही आसान था ना, ये बहुत फ्री है। देखो मैं आपको बता दूं यहां पर पेपर वन पूरी तरह से फ्री करवाने वाला हूं। आपको ये टाइमिंग दिख रहा होगा इस समय स्क्रीन पर, ये टाइमिंग रहेगा मेरा क्लास का डेली, आप इस टाइमिंग पर हमारे एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा और सभी क्लासेज में जुड़ जाया करना, ठीक है। अच्छा एक बात बता रहा हूं आपको, आप मुझे टेलीग्राम पर डॉक्टर LOKESS स्पेस BALI, ये जो दिख रहा है ना DR स्पेस लोकेश बाली, इस नाम से टेलीग्राम पे सर्च कर लो, मेरा ये चैनल है जो आपको दिख रहा है इसको आप ज्वाइन कर लो। इससे क्या है कि हम डेली के डेली में लिंक डालता रहता हूँ ताकि आपको मतलब ढूंढने करने में आसानी ना हो और आप आसानी से डेली क्लास के टाइम पर मेरी क्लासों को देख सकते हो, तो ये काम कर लो आप। चलिए थैंक यू। ओके दोस्तों, अगर हमें अनअकैडमी का जो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है वो कैसे लेते हैं ये बता देता हूँ मैं आपको। पहले हम अनअकैडमी के एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने अनअकैडमी के एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, अब आपको बाएं हाथ की तरफ तीन डॉट दिख रहे होंगे यहाँ पर इस पर एक बार क्लिक करेंगे। अच्छा जैसे हम क्लिक करेंगे एक बार मेक श्योर कर लेना, ध्यान से देखना कि आपको यहाँ पर NTA UGC नेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर आप किसी अन्य कोर्स को लेना चाहते हो यहाँ इस पर क्लिक करके अन्य कोर्स को यहाँ पर ले सकते हो। अगर आप UGC NTA पर चाहते हो तो यहाँ पर UGC नेट को एक बार सेलेक्ट कर लो। जैसे NTA UGC नेट हमने सेलेक्ट कर रखा है उसके बाद वो नीचे आपको प्लस लिखा हुआ दिख रहा होगा, प्लस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्लस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दिख रहा है गेट सब्सक्रिप्शन, हम इस पर क्लिक करेंगे। हाँ जैसे हमने गेट सब्सक्रिप्शन किया कि हमारे सामने अलग अलग मंथ इस समय दिख रहे हैं देखो, और नीचे दिखे 11,550, ये 12 महीने की फीस है लेकिन डिस्काउंट के साथ कैसे मिलेगी मैं इसमें बता देता हूँ। देखो किसी आदमी को अगर 3 महीने का लेना है तो यहाँ पर 3 महीने पर क्लिक करो, किसी को 6 महीने के लेना तो 6 महीने पर क्लिक करो, और 12 महीने के लेना है तो 12 महीने पर क्लिक करो। अच्छा नीचे हैव ए रेफरल कोड लिखा हुआ, हैव ए रेफरल कोड इसको मिस मत कर देना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हैव ए रेफरल कोड। जैसे हम पर इस पर क्लिक करेंगे आपको बड़े शब्दों कैपिटल लेटर में, ध्यान रखना कैपिटल लेटर में LOKESS और स्पेस नहीं देना किसी प्रकार का स्पेस नहीं देना है आपको, 11 लिखना है आपको, ऊपर दिख रहा है स्क्रीन पर ये लिखना है आपको डायरेक्ट लोकेश 11 लिखकर उसको अप्लाई कर देना है। जैसे हम इस पर अप्लाई करेंगे आपके सामने 10% की छूट यहाँ पर दिख जाएगी और इसको ग्रेट पर क्लिक कर देंगे। अब हाँ आपको नीचे दिख रहा होगा कि 10% ऑफ अप्लाइड लिख रहा है आपको, और हमारी जो फीस 11,500 थी वो घटकर 10,395 हो चुकी है। अच्छा मान लो किसी को 6 महीने का लेना तो 6 महीने पर क्लिक कर दो, किसी को 3 महीने का लेना 3 महीने पर क्लिक कर दो, फीस आपके सामने घटकर नीचे दिख रही है 10% ऑफ है, उसके बाद में आपके सभी की फीस घटकर दिख रही है, ऑटोमेटिक घटकर यहाँ पर दिख रही है। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोगों के लिए सबसे सस्ता 12 महीने या 24 महीने वाला पड़ता है, जैसे 24 महीने का 15,000 का है, 12 महीने का केवल 10,000 का है, अब 6 महीने का 8,500 का हो गया, उससे भाई 8,500 अगर हम खर्च कर रहे हैं उससे बेहतर है कि हम 12 महीने का ले लें, नहीं कहो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा ना। तो जितने भी मतलब आप 12 महीने से कम का तो लेना ही मत, मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा, देख भाई मेरी सलाह तो यही है। चलो अगर मान लो हमने 12 महीने पर क्लिक कर दिया उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो आप नीचे देखें लोकेश 11 पर इंसर्ट हो ही रहा है, आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, कर दिया प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर दिया, उसके बाद में आपके सामने ऑप्शन दिख रहा होगा डेबिट क्रेडिट कार्ड, अगर आप किसी भी डेबिट कार्ड ATM क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप इसको पेमेंट कर सकते हो। हाँ अगर आपके सामने ये समस्या है कि यार आप एक बार में पेमेंट करना नहीं चाहते तो EMI का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आप EMI पर क्लिक करके यहाँ पर अपना जो ATM कार्ड है डेबिट या क्रेडिट कार्ड है उसके माध्यम से यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार UPI भीम है जो आता है फ़ोनपे गूगल पे अगर इनसे करना है ना आपको तो
आप यूपीआई पर क्लिक करके लगा दो। अगर आप चाहते हो पेटीएम वगैरह से किसी से करना है तो पेटीएम से कर दो, नेट बैंकिंग से कर दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे करना चाहोगे। जैसे कि आपको डेबिट कार्ड से करना है तो हम इस कार्ड पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर कार्ड के नंबर डालेंगे, इसकी वैलिड क्या क्या है और इसके पीछे के जो तीन नंबर होते हैं एटीएम के पीछे तीन नंबर होते हैं सीवीवी बोलते हैं उनका लिखेंगे, और नेम ऑन कार्ड यानी किसके नाम से ये कार्ड है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद में प्रोसीड टू पे, देखो पे टू प्रोसीड पर क्लिक करके पेमेंट को कर देंगे और इससे हमारा यहाँ पर डायरेक्ट ही सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखना कि लोकेश 11 लोकेश 11 कोड को डालना मत भूलना अगर मेरा स्टूडेंट आप लोगों को बनना है तो। चलो इस तरीके से आप ले लीजिए, मैं आपसे कहूँगा कि आप 12 महीने का ले लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। धन्यवाद।